हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं जिसमें मैं ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IBPS PO या और RRB एग्जाम्स के लिए 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100। देखने में बहुत सिंपल है, करने में भी एक्चुअली सिंपल है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाए। तो लॉज ऑफ इंडिसेस शायद आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अभी तक क्लियर होंगे, 7th 8th क्लास में करवा दिए जाते हैं। अगर मैं इसको एग्जाम्पल्स में इसकी, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मान लीजिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 7 बन जाता है। तो ये तो शायद आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। जब डिविजन का साइन होता है, मान लीजिए 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो ये बन जाता है 2 की पावर 4 माइनस 3, तो ये बन जाता है 2 की पावर 1। ओके, जब ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ऐसा कुछ आ जाए, तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहां पे एक डॉट भी होगा, m मल्टीप्लाइड बाय n, राइट। तो इट बिकम्स 12। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इट बिकम्स 2 की अंडर रूट। अगर यहां पे 4 होता तो मैं यहां पे 4 भी लगा देता, राइट। तो दिस इज एज सिंपल एज इट इज। तो सिमिलर वे में ये भी है, ये वाला फंडा और ये वाला फंडा, दिस इज सेम, राइट। तो चलिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 2 मिनट में मैंने आपको फॉर्मूले तो करवा दिए हैं, कुछ ज़्यादा सीखने लायक उसमें था नहीं। 99% स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए 7 की पावर आप कह लीजिए 6 9 7 9 प्लस 7 की पावर 6 7 9, इसकी क्या वैल्यू है जी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है ऑप्शंस में, ऑप्शन छोड़िए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सीधा सीधा देखिए, इसमें कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 100, इसको कॉमन पकड़ लीजिए, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1, राइट। 2 की पावर 100 इसको प्लस कर दीजिए, 2 आ गया, लेकिन है इसकी पावर क्या है, 1। अभी वापस से आइए, ये मल्टीप्लिकेशन वाला, ये देखिए, ये यूज करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला। तो इट बिकम्स 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 101। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने को मैं आपको 10 क्वेश्चन करके दिखा सकता हूं, लेकिन ये देखिए, ये वाला फंडा समझ लीजिए। चाहे अगर मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन होता 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10, तो इसकी क्या वैल्यू होती, तो इसका आंसर क्या होता। तो सिंपल वे में अपना दिमाग चलाइए, इट बिकम्स 2 की पावर 11। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, सिंपली आपने ये देख लिया 7 की पावर 6 7 9 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1, यहां पे तो 2 आ जाएगा, राइट। लेकिन यहां पे देखिए, अगर ऐसा कुछ होता, आप कह लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा होता, ये 7 बार होता, 7 की पावर 6 7 9 प्लस 7 की पावर 6 7 9, ये 7 बार होता, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो 7 की पावर 6 7 9 प्लस 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 6 8 0 इसका आंसर बन जाता। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये तो 2 तक की वैल्यू थी ना। अगर ऐसा कुछ आ जाए 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10, इसका वैल्यू मुझे बताइए। चाहे ऐसा भी लिखा हो 3 की पावर 100 3 की पावर 100 3 की पावर 100, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप क्या करेंगे, राइट। तो सिंपली कॉमन निकालिए 3 की पावर 100, 1 प्लस 1 प्लस 1, और 3 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, और 3 की पावर 101। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे कल ही भेजा था, एक स्टूडेंट ने मुझे कि सर ये सॉल्व करके मुझे बताइए, मैं मुझे करना है ये क्वेश्चन। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका एक सेशन बना के आपके लिए लाया जाए। राहुल जी आपके लिए था, राहुल द्विवेदी आई थिंक यही था इनका नाम, शायद राहुल द्विवेदी था इनका नाम, ऐसा कुछ नाम था इनका, राहुल द्विवेदी जी था। राहुल द्विवेदी जी, आपने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था एंड मैं उसका सोल्यूशन करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है, लिंक मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा। एंड ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, ऐसा कुछ भी आ सकता है, 3 की पावर, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता है कि 4 की पावर 10, ज़्यादा स्पेस नहीं है, 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 10, 4 बार आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 की पावर 11।
तो ये चीज़ का एक ध्यान रखिए, ये 2 बार था, 2 की वैल्यू 100 है, तो कॉमन करके यहाँ पे 2 की वैल्यू और वेन 1 आएगी, राइट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के पेपर में बिल्कुल घबराना नहीं है। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है कई बार उनमें ये सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत यूज होता है। अगला एक मैं सेशन करूंगा जिसमें मैं डिटेल में कुछ अच्छे लेवल के सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जीके डाटा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और हमारी जो पेन ड्राइव कोर्स है वो अवेलेबल है bankexamstoday.com पे। और ये आप यहाँ पे कॉल करके जो है कुछ भी आपको डिटेल चाहिए आप कॉल करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा सेशन किया था मैंने, ये एक्चुअली एक डाउट क्लियरिंग सेशन था। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मेल करते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसका मैं वीडियोस बनाता हूँ, आज मैंने ये बनाई है। आपको भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे क्वेश्चन भेजिए, एंड मैं उनका सोल्यूशन जो है ज़रूर उसका एक डाउट क्लियरिंग सेशन मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि मैं आपकी अगर हेल्प कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दबाइए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे मेल करिए, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। वैसे शाम को भी हम एक और लेक्चर करने वाले हैं, शाम को तकरीबन 6 बजे के तकरीबन, तो शाम को दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।